व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेट लवर। ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। आप लोगों ने जिंदगी में दो तरीके के आदमी देखे होंगे। एक तो वो है जिनके लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बोलते हैं बस अब हमसे नहीं हो पाएगा और वहीं पर अपने हथियार डाल देते हैं। और दूसरी तरीके के इंसान वो होते हैं लाइफ में जिनके सामने छोटी छोटी या बड़ी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम आती है उनके गोल को अचीव करने में, तो वो उसको बिल्कुल ऐसे समझ कर चलते हैं कि ये तो इसका पार्ट है और इससे तो हमको और ज्यादा सीखना है और आगे बढ़ना है और अपने गोल को और ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। तो उन्हीं के लिए यहां पर ये कोट बोली गई है कि जीवन की चाल असल में वही समझ पाता है जो लाइफ में कितनी भी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, उसको बिल्कुल ऐसे समझ के चलता है कि ये इसी का पार्ट है। यहाँ पर बोला भी गया है जो धूल को गुलाल समझता है, जो प्रॉब्लम को भी उसका पार्ट मान ले, वही इंसान लाइफ में सक्सेस होता है। और इसी तरीके की टेंडेंसी बनाकर आप लोगों को भी आगे बढ़नी है, क्योंकि जिंदगी में बहुत छोटी छोटी और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आनी है और आप स्पेशल केस नहीं है कि आप ही की लाइफ में प्रॉब्लम आनी है। हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। आप लोगों ने सनी देओल का वो डायलॉग भी सुना होगा बॉर्डर मूवी का कि जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में? कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो उन प्रॉब्लम से निखर जाते हैं, उनका सोल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो वहीं पर टूट जाते हैं और टूट कर अपने हथियार छोड़ देते हैं। तो सेकंड कैटेगरी आप लोगों को नहीं बनना है, हमेशा फर्स्ट कैटेगरी बनना है और अपने गोल को अचीव करने तक आप लोगों को कभी भी हथियार नहीं डालने हैं। तो 17 फरवरी है, नैनो मैगजीन के तहत हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा PIB की न्यूज, इसके बाद में हम लोगों को ऑल इंडिया रेडियो और इसके साथ में योजना, कुछ क्वेश्चंस और कुछ आंसर, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी। काफी शानदार डिस्कशन हमारा होने वाला है। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं लेक्चर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में, और इस पोर्शन से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और वैसे भी आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। वाटर जब फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था मून पर, यानी कि चांद पर, चंदा मामा पर, तो वो इंडिया के द्वारा ही डिस्कवर किया गया था। ये टाइम कौन सा था? टाइम था 2009। और ये किस टाइम किया गया था? ये था चंद्रयान फर्स्ट, जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट भेजा था इसरो के द्वारा, उस टाइम पर यहाँ पर चांद पर पानी होने की बात बताई गई थी इंडिया के द्वारा। यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी यूज की गई थी जिसका नाम था यहाँ पर यह मिनरोलॉजी मैपर डिटेक्शन। और ये जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई गई थी हम लोगों को, ये USA के NASA के द्वारा हम लोगों को फर्स्ट जो चंद्रयान मिशन है उसके दौरान प्रोवाइड कराई गई थी। तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, दोनों ही तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, चंद्रयान का भी नाम याद रख सकते हैं, टेक्नोलॉजी का भी नाम याद रख सकते हैं, और किसके द्वारा हमको ये प्रोवाइड कराई गई थी, USA के द्वारा, USA की जो NASA है, USA की जो एजेंसी है उसके द्वारा ये प्रोवाइड कराई गई थी। जिस तरीके से हमारी इसरो है उसी तरीके से USA की NASA है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। और हाँ, ऐसी ऐसी चीजों पर प्राउड फील करा करो जो वर्ल्ड में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया है, ठीक है? इस तरीके की चीजों पर कम से कम देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो फर्स्ट टाइम बैरियर तोड़ के बाहर आता है, उससे बाद में तो फिर तो चीजें चलने ही लगती है। आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इंडिया ने मालदीव को बोला है कि आप लोगों ने जो अपने एरिया में इमरजेंसी लगा रखी है उसको हटा दीजिए, क्योंकि वहां से जो कंडीशन है बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अगर आसपास वाले एरिया में पूछे कि इंडियन ओशियन में अभी लेटेस्ट इमरजेंसी कहां पर लगी है, तो वो है हमारा पड़ोसी देश आइलैंड हो गया यहां पर मालदीव। इसको आप लोग मैप में भी देख सकते हैं, आपको मैप की लोकेशन पता होना चाहिए, इंडियन ओशियन में पड़ता है, यहां पर देख सकते हैं आप लोग इसको। ये हो गया ऊपर इंडिया, ये श्रीलंका, यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर मालदीव, ठीक है ना? यहाँ पर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, मतलब ब्रिटिश की भी आज की डेट में यहाँ पर टेरिटरी है। आप लोगों को पता है ब्रिटेन ने इतने दिनों तक हमारे ऊपर रूल किया है, इतने दिनों तक उन्होंने कॉलोनी बनाकर रखा है हमको, तो यहाँ पर ब्रिटेन की भी टेरिटरी है। यहाँ पर हो गया सिसिलिस आइलैंड, इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है, ये भी कई बार न्यूज में रहता है, तो थोड़ा मैप भी साथ साथ में आप लोग देखते रहा कीजिए। ओके, आइए अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये 19 और 20 फेब को होने वाली है, फार्म के इश्यू को डिस्कस किया जाएगा और यहाँ पर बात की जाएगी कि किस तरीके से हम जो फार्मर की इनकम है उसको डबल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अब तक कि ये फार्मर की इनकम डबल करने की बात कब तक की जा रही है, तो 2022 तक की जा रही है, यही इसका मेन एम रहने वाला है, फार्मर की इनकम किस तरीके से डबल करनी है। और आप लोगों ने अब की बार का बजट भी देखा होगा, उसमें भी किसानों पर कई सारे फोकस देकर चले गए हैं। ओके, इसके अलावा बात की गई है RBI के द्वारा जो छोटे छोटे नोट होते हैं, आप लोगों को पता है एक एक दो दो रुपए के नोट या फिर कॉइन्स होते हैं, कई बार बैंक जो है उनको लेते नहीं है, ठीक है? 10 से नीचे नोट लेना पसंद नहीं करते हैं। RBI ने सबके लिए यहां पर बात की है, सबको डायरेक्ट किया कि आप लोगों को जो इस तरीके नोट है उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी यहां से कई बार पूछा जाता है, वो आप बताइए, जो नॉर्मल नोट होता है हमारा, जो नॉर्मल आप लोगों को देखने को मिलता है, 10 का देखने को मिलता है, 20 का, 50 का, या फिर इससे बड़ा जो भी देखने को मिलता है हम लोगों को, उस पर तो RBI के सिग्नेचर होते हैं। जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर आप लोगों को किसके सिग्नेचर देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन बताइए, काफी इंटरेस्टिंग है। और ये तो नॉर्मली बच्चों से वैसे पूछ लिया जाता है कि बताइए किसका उस पर सिग्नेचर रहता है, ठीक है? तो इसको देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, रिमेन अपनी पोजिशन थी पहले से, अपनी पोजिशन मेंटेन रखी यहाँ पर जर्मनी ने FIFA की रैंकिंग में। ये यहाँ पर जेंगरी रैंकिंग कहाँ पर, ये रैंकिंग कहाँ पर पब्लिश की जाती है,
ये की जाती है यहां पर ल्यूसाना में, कहां पर, स्विट्जरलैंड में। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, जर्मनी टॉप रैंकिंग पर है यहां पर फीफा की, जिस तरीके से हम लोग क्रिकेट की टॉप रैंकिंग पर है। जिसको फीफा के बारे में नहीं पता है उसको थोड़ा बता देता हूं, ये फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, ये तो ये एक तरीके से एक तरीके का एसोसिएशन है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसका मोटो भी आप लोग देख सकते हैं, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में एक तरीके से गेम का सीधा सीधा मतलब ही ये होता है कि आज के डेट में जितने वर्ल्ड लेवल के गेम हम लोग खेलते हैं एक दूसरे के साथ में मिलकर कनेक्ट रह सकें और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना रहे, इसी तरीके से आप लोगों को वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी यही मीनिंग निकल कर आता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड जैसी फिर से कोई कंडीशन न बन सके, हार्मनी बनी रहे ऑल ओवर वर्ल्ड में। और यहां पर इसका फीफा का हेडक्वार्टर भी आप लोग को स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, वर्ल्ड वाइड यहां पर ये इसका आप लोग प्रेजेंस देख सकते हैं। और यहां पर 211 टोटल यहां पर आप लोगों को कंट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट टाइम इसको फाउंड किया गया था ये 1904 में से इसको स्टार्ट किया गया था। तो कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, जर्मनी आज के डेट में यहां पर टॉप रैंकिंग में फुटबॉल में, ये बात यहां पर बोली जा रही है। ओके, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, जापानीज और यूएस के जो एस्ट्रोनेट है वो स्पेस वॉक पे गए फिक्स करने के लिए, रोबोटिक्स आर्म्स को सही करने के लिए। मतलब क्या है, स्पेस स्टेशन होते हैं वहां पर रिसर्च करने के लिए स्पेस स्टेशन रखे जाते हैं। तो स्पेस स्टेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पहले ऑलरेडी स्पेस में है तो प्रॉब्लम आ जाती है तो बाहर निकलना पड़ता है, तो बाहर निकल के उसकी प्रॉब्लम को ठीक करना पड़ता है। तो उसी के लिए बात की जा रही है, जापान और यूएस के स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं एक जगह दोनों मिलकर। तो आप लोगों को वर्ल्ड की कुछ आप लोगों को ये एजेंसी पता होनी चाहिए जो वर्ल्ड की स्पेस एजेंसीज हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहां पर CNSA, तो यहां पर ये चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी मैच करने के लिए आ जाता है, कई बार आप लोगों के सामने बस शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे और बोलेंगे कि बताइए किस कंट्री की स्पेस एजेंसी है। ईसा, ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये आप लोगों को कई कंट्री का आप लोगों को एक कंसोर्टियम देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कई सारी कंट्री मिलकर यहां पर एक पूरा एक ग्रुप बनाती है, तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर एक ग्रुप देखने को मिलेगा। और यहां पर जो वर्ड यूज किया गया यहां पर इसका मतलब भी एक ग्रुप ही होता है, तो जो वर्ड भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है ना, कंसोर्टियम, तो इसका मतलब भी एक ग्रुप ही होता है। तो ग्रुप आप लोग देख सकते हैं, यूरोपियन यूनियन में टोटल आज की डेट में 28 कंट्री है, जब यहां पर यूके बाहर निकल जाता है तो 27 रह जाएगी, और इनमें से 19 कंट्री ऐसी हैं जो कि यहां पर यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो यूज करती है, ठीक है। तो वो भी आप लोग याद रखते हैं, और इसको तो आप लोग जानते हैं सबसे शानदार एजेंसी है, ये है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हम अपनी कंट्री की सबसे शानदार है, ठीक है। जाक्स हो गए, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, जाक्सा बोल सकते हैं इसको, जापान स्पेस एजेंसी, नासा आप लोग जानते हैं अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, और यहां पर इसको भी याद रख सकते हैं, इसके साथ में काफी हमने स्टार्टिंग में मिलकर काम किया था, यह रोस्कोमोस, यह रशिया की स्पेस एजेंसी। तो अगर कोई आप लोगों से पूछे इनके बारे में तो आप लोग बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है यहां पर कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि कल ही यहां पर इसके ऊपर डिसीजन आया है, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं। यहां पर पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कितने स्टेट इसमें इन्वॉल्व है, स्टेट कौन कौन से यहां पर इन्वॉल्व है, पहला हो गया कर्नाटका, दूसरा हो गया तमिलनाडु, तीसरा हो गया केरला, और चौथा हो गया पुडुचेरी, ठीक है ना। तो चार यहां पर आप लोग स्टेक होल्डर देखने को मिलेगा जो कि यहां पर चार मेंबर ऐसे हैं जो कि यहां पर कावेरी वाटर के पानी को यूज करते हैं। ये आप लोग कावेरी देख सकते हैं, यहां पर पूरा ही रिवर बेसिन आप लोग यहां पर देखने को मिलता है, ये गिरती है जाकर बे ऑफ बंगाल में, ओरिजिनेट होती है यहां पर कर्नाटका से। ओके, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। नेक्स्ट आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कहां से स्टार्ट हो गया है और ये कहां तक पहुंच रहा है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर चलो यहां पर कावेरी वाटर के, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 1892 में मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जब ब्रिटेन के कंट्रोल में चीजें रहा करती थी, उस टाइम पर एग्रीमेंट साइन किया गया था कि कावेरी वाटर का हम लोगों को पानी शेयर करना है, ठीक है। 1924 में देखने को मिला कि एक शेयरिंग वाटर यहां पर डील आ गई यहां पर पिक्चर में, और डील के होते यहां पर डिस्प्यूट भी स्टार्ट, वो डील को देखते ही यहां पर जो डिस्प्यूट था वो भी यहां पर रिजोल्व होता हुआ नजर आया, क्योंकि स्टार्टिंग में भी यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। फिर देखने को मिलेगा मई 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सेंटर को कि एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाए, मतलब कल को चलकर अगर कोई भी प्रॉब्लम यहां पर हो रही है कावेरी वाटर को लेके यहां पर केरला कर्नाटका तमिलनाडु या फिर पौंडीचेरी में, तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। और फिर यहां पर डिस्प्यूट होने स्टार्ट हो गए, और फिर 2007 में यहां पर एक फाइनल अवार्ड दिया गया इस डिस्प्यूट का, जो लड़ाई चल रही थी स्टेट्स के बीच में, कि हाँ ये है इसका सोल्यूशन। पर लेकिन उससे सब सेटिस्फाई नहीं हुए, कर्नाटका ने प्रोटेस्ट कर दिया उसके खिलाफ, कर्नाटका ने बोला कि ये बायस अवार्ड है और हम इससे सेटिस्फाई नहीं है। फिर 2014 में जस्टिस चौहान ने अपॉइंट किया न्यू चेयरमैन, और न्यू ट्रिब्यूनल यहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो इसके अलावा अब तक यहां पर ये पेंडिंग पड़ा हुआ था इतने साल के बाद, 2007 से आप लोग देख सकते हैं, 2017 में यहां पर ट्रिब्यूनल यहां पर सेटअप किया गया, और उसका जो अभी डिसीजन निकल के आया वो आया है अभी 2018 में। तो उसमें क्या डिसीजन निकल के आया उसकी छोटी छोटी सी हाईलाइट जान लेते हैं। पहले आप लोग इसको देखिए एक बार हल्का सा, और आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी।
ये है टोटल यहाँ पर कावेरी वाटर का बेसिन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कोवेरी ये होगी कावेरी रिवर, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पानी यहाँ पर मिल रहा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु को मिल रहा है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक को मिल रहा है, तीसरे नंबर पर केरल को और चौथे नंबर पर पौंडीचेरी को। तो चार सबसे बड़े आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा पानी किस किस को मिल रहा है यहाँ पर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है। तो इससे क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों को इसके बारे में भी याद रखना है। अब देख लेते हैं जो न्यूज में है वो क्या क्या डिसीजन यहाँ पर निकल के आया है। डिसीजन ये निकल के आया है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कर्नाटका को, यहाँ पर बोला है कावेरी वाटर डिस्प्यूट के तहत कि ज्यादा पानी मिलेगा अब एडिशनल कितना, यहाँ पर 14.75 TMC। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म होती है, यहाँ पर इसको भी आप लोग याद रखते हैं। इस तरीके की बातें भी कई बार पूछी जाती है अगर न्यूज में रहता है तो, यह थाउजेंड्स मिलियन क्यूबिक, ठीक है। तो इससे अगर कोई पूछे तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। बात क्या की गई है, क्यों इसको ज्यादा पानी प्रोवाइड कराया गया, क्योंकि कर्नाटका को देखते हैं आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा कर्नाटका में बेंगलुरु है जिसको आईटी हब माना जाता है। तो बेंगलुरु को यहां पर एक्स्ट्रा पानी देने के लिए, क्योंकि बेंगलुरु को इस तरीके से देखा जाता है जिसे ग्लोबल स्टेटस उसको दे दिया गया है, कर्नाटका की कैपिटल का ग्लोबल स्टेटस को दे दिया गया क्योंकि आईटी हब बना हुआ है आज की डेट में कर्नाटक वो बेंगलुरु, तो इसीलिए यहां पर इसको ज्यादा पानी देने की बात की गई है। पानी किसका घटाया गया ये भी आप लोग याद रखते हैं, पानी घटाया गया है यहां पर तमिलनाडु का, किसी का और का पानी नहीं घटाया गया, तमिलनाडु का पानी घटाया गया। और जो पुडुचेरी और केरला है उनकी जो सिचुएशन है उनकी सिचुएशन अनचेंज रखी गई है, ये यहां पर फाइनल डिसीजन निकल के आया है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, बढ़ाया किसका गया है, बढ़ाया गया कर्नाटक का, घटाया किसका गया, घटाया गया तमिलनाडु का, पुडुचेरी और केरला का अनचेंज रखा गया है। और बाकी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं सबसे ज्यादा किसका था और सबसे कम किसका था, तमिलनाडु देख सकते हैं आप लोग यहां पर सबसे ज्यादा कर्नाटक, केरला और पुडुचेरी। तो ये बातें आप लोग याद रख सकते हैं, कुछ भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से किसी भी तरीके से, तो आप लोग यहां पर क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम होने चाहिए। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं इंडिया और ईरान के रिलेशन के बारे में। ईरान के प्रेसिडेंट इंडिया की विजिट पर हैं और वो चाह रहे हैं इंडिया और ईरान के रिलेशन और ज्यादा अच्छे लेवल पर बढ़े। देखिए आप लोग जानते हैं, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, इंडिया एक साइड में हो गया, एक साइड में हो गया इसराइल, एक साइड में हो गया ईरान और एक साइड में हो गया पैलेस्तीन। आप लोगों को देखने को मिलेगा ईरान और इसराइल यहां पर, वो ईरान और इसराइल दोनों कट्टर दुश्मन है, इसराइल और पैलेस्तीन कट्टर दुश्मन है, और इंडिया को सबके साथ में अच्छे रिलेशन बनाकर चलने की भी बात यहां पर रख रखी है, ठीक है। तो इंडिया को सबके साथ में अच्छे रिलेशन बनाने हैं, तो अब देखिए इंडिया किस तरीके से चीजों को टैकल करके चल रहा है यहां पर। तो बात की जा रही है ईरान के प्रेसिडेंट की, तो उन्होंने अपने जो रिलेशन है वो ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए बोला है हसन रूहानी जी, जो कि उनके प्रेसिडेंट है, आज के डेट में इंडिया की विजिट पर है। अभी उन्होंने कई सारे एरिया में विजिट करने की बात बोली थी, हैदराबाद में गए, वहां पर मक्का मस्जिद उन्होंने देखी, मक्का मस्जिद में पहुंचे फ्राइडे की, वहां पर प्रेयर उन्होंने अदा की। इसके बाद में उन्होंने बोला है कि देखिए ऑयल और नेचुरल गैस में हम इंडिया का फायदा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रिजर्व है यहां पर अगर आप लोग देखेंगे ईरान में, और खासकर जब से ईरान के ऊपर यहां पर कई तरीके सैंक्शन लगा रखे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की कम्युनिटी ने, और उन सैंक्शन को तब से हटाया गया, कुछ कम किया गया, तब से इंडिया और ईरान के रिलेशन अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। पर लेकिन कई सारी बातें भी आ जाती है, कई सारे इश्यूज भी निकल कर आते हैं, तो इस तरीके से इश्यूज को साइड में रखते हुए यहां पर बोला है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुतुब साहिब टॉम भी यहां पर देखा गया, तो इसके बारे में दो चीजें आप लोग याद रख सकते हैं, कुतुब साहिब टॉम्ब और यहां पर मक्का मस्जिद इन हैदराबाद, ठीक है। तो इस तरीके की बातें कई बार पूछ ली जाती है अगर किसी भी तरीके से न्यूज में रहती है तो, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं इसके बारे में। मैप भी लोकेशन आप लोग देख सकते हैं ईरान की, अगर मैप में आप लोग निहारना चाहे तो यहां पर आप लोग देखते हैं, हो गया ईरान, यहां पर टच करता है पाकिस्तान को, इधर हो गया अफगानिस्तान, इधर हो गया तुर्कमेनिस्तान, ऊपर हो गया यहां पर देखने को मिला अजरबैजान, तो ये आप लोग देख सकते हैं, और थोड़ा सा टच करता हुआ बॉर्डर नजर आते हैं यहां पर आर्मेनिया का भी, तो ये भी याद रख सकते हैं, टर्की हो गया और यहां पर हो गया इराक, और यहां पर हो गया पर्शियन गल्फ, यहां पर हो गया गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। तो ये एरिया हो गया टोटल ईरान का आप लोग देखते हैं, कैपिटल हो गया यहां पर तेहरान, और यहां पर हम लोग बना रहे हैं अपना चाबहार पोर्ट, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है डेवलप किया जा रहा है ग्वादर पोर्ट बाय द चाइना, ठीक है। तो ये कुछ हो गई बातें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात की जा रही है चंद्रयान टू के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा चंद्रयान फर्स्ट पे जब हम लोग चांद पे पहुंचे थे उस टाइम पर हमने पानी को डिस्कवर किया था, अब चंद्रयान टू का मिशन भेजने की बात की जा रही है। जी हाँ, चंद्रयान टू के मिशन को बात की जा रही है। अभी यहां पर देखिए चंद्रयान टू भेजा जाएगा 2018 में मार्च में, यानी कि अगले महीने में इसको भेजने की बात की जा रही है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। मिनिस्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड द स्पेस जो जितेंद्र सिंह जी है, उन्होंने ये बात बताई है। और यहां पर मिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, लगभग कॉस्ट इसकी आएगी 800 करोड़, 800 करोड़ में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर चंद्रयान का, यहां पर लूनार ऑर्बिटर, ठीक है, और यहां पर लैंडर और रोवर, मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा चांद के आसपास में घूमने वाला भी यहां पर रहेगा और चांद पर उतारा भी जाएगा जो सिस्टम रहेगा। तो इस तरह का सिस्टम यहां पर देखने को मिलेगा, ये मैन्युफैक्चर किया गया है कंप्लीटली आप लोगों को देखने को मिलेगा, किसके द्वारा, ये इसरो के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं, यहां पर आप लोग पिक्चर में देख भी सकते हैं, ये लैंडर रहेगा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये रहेगा यहां पर ऑर्बिटर। तो इस तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और हम लोगों ने देखा था यहां पर कि जब इसको उतारा जाएगा तो यहां पर इसके अंदर सोलर पैनल लगे हुए हैं जो कि यहां पर सूरज की रोशनी से अपनी एनर्जी यहां पर ग्रैब करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पर कैसे कोई एनर्जी भेजी जा रही है उसी से वो चलेंगे वहां पर, ठीक है।
तो ये इस तरीके सिस्टम वहां पर उतारा जाएगा, इसमें से फिर रोवर निकल के आएगा। सिस्टम पूरा आप लोगों को मैं पहले भी दिखा चुका हूं, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। अभी आगे आगे जैसे मार्च में लॉन्च करेंगे तो और सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने निकल के आएगी, आप लोग इसको अच्छे से याद रख पाएंगे। पर मिशन 8 था 2008 में, मिशन वो चंद्रयान फर्स्ट था 2008 में, उसके 10 साल बाद अब चंद्रयान सेकंड हम लोग भेजने जा रहे हैं 2018 में, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और जिस तरीके से वर्ल्ड में गेम होते हैं तो वहां पर एक एंटी डोपिंग एजेंसी भी है, जो कि यहां पर कोई डोप लेकर कोई उल्टी सीधी दवाई खाकर तो यहां पर खेल नहीं खेल रहा है, क्योंकि अगर एक तो इंसान है वो नेचुरल प्रैक्टिस कर रहा है अपनी तब जाकर यहां पर गेम खेल रहा है, और एक है कि उल्टी सीधी दवाई खाकर वहां पर प्रैक्टिस कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है जो दवाई खाकर वहां पर दौड़ेगा या कोई भी गेम खेलेगा तो वो आसानी से जीत जाएगा। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए आप लोगों को यहां पर ये बातें नजर आती हैं। तो अभी यहाँ पर रोमानिया की लैब में इरेगुलेटरी पाई गई है, वहां पर कोई भी मतलब इस तरीके से वहां पर जो चीजें फिक्स करनी होती है उसने फिक्स नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है रोमानिया की लेबोरेटरी को, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर उसमें जो डोपिंग के केस थे वो यहाँ पर इरेगुलरिटी पाई गई है, प्रॉपर वे में उनको वहां पर चेक नहीं किया जा रहा था, तो टेम्परेरी बेस पे अभी वहां पर उसको कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पर गलती से चंद्रयान 2 का लग गया है, तो ये आप लोगों को नहीं देखना है, इसको आप लोग थोड़ा जान सकते हैं, वो तो मैंने अभी आप लोगों को बताया। आप लोग यहाँ पर देखिए, ये है यहाँ पर वाडा के बारे में जो दे रखा है, देख सकते हैं यहाँ पर प्ले ट्रूथ, मतलब मोटो हो गया प्ले ट्रूथ, कोई भी गड़बड़ी नहीं करे, आप लोग ढंग से खेले। यहाँ पर एंटी डोपिंग एजेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, और इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ पर लैंग्वेज यूज की जाती है। जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को मैं वाडा के बारे में बता रहा हूँ, इसी तरीके से हमारी कंट्री में भी है जिसको बोला जाता है नाडा, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, हमारी कंट्री में किसी भी डोपिंग का केस जो होता है उसको रोका जा सके और आगे ना बढ़ाया जा सके, और जो गेम है उसको एक एक बिल्कुल अच्छे से खेला जा सके, चाहे बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में या फिर कोई भी और। तो उन सब चीजों को यहां पर गेम को अच्छे से कराने के लिए हमारी कंट्री में भी इसकी एक एजेंसी है, तो वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। सीधा सीधा मतलब यही है कि गेम अगर खेले जा रहे हैं ओवरऑल वर्ल्ड, तो वहां पर एक अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराया जा सके। तो किसके ऊपर बैन लगाया गया आप लोग यहाँ पर मैप में निहार सकते हैं, ये हो गया यहाँ पर रोमानिया, ये देखिए ब्लैक सी हो गया यहाँ पर रोमानिया, और यूक्रेन हो गया ऊपर, तो यहाँ पर यूरोपियन में, ये यूरोप में कंट्री पड़ता है, ऐसे देखिए आप ढंग से आप लोगों को नजर आएगा, इस तरीके से आप लोग इसको निहार सकते हैं। ये हो गया हमारा प्यारा इंडिया, यहाँ से अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर पहुंचेंगे रोमानिया, ओके। इस तरीके से थोड़ा मैप में आप लोग साथ साथ में देखते रहा कीजिए जो भी न्यूज में रहता है। आइए अब आगे चलते हैं, एक पार्क के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर बात की जा रही है गोरुमारा नेशनल पार्क, तो सबसे बड़े कई बार इस तरीके की न्यूज आप लोगों से पूछी जाती है, नेशनल पार्क भी मैच करने के लिए आ जाते हैं। बहुत सारे नेशनल पार्क ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, रिवीजन करते रहिए, आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो गोरुमारा नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर मैप में भी आप लोग इसको निहार सकते हैं, ये नीचे वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन हो गया, और यहाँ पर जाकर आप लोगों को लगभग ऊपर जो दार्जिलिंग वाले एरिया के आसपास में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा मैप साथ में देखते रहा कीजिए, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, पहले राइनोज के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है, पर लेकिन आज के डेट में आप लोग देखते हैं राइनोज जब से ज्यादा फेमस कौन सा हो गया, चलिए पार्क का नाम बताइए, बहुत ज्यादा फेमस है राइनोज के लिए आज के डेट में, जो आसाम में जाना जाता है, आसाम में है वो पार्क, ठीक है, इतना भी मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है, जिससे सबसे ज्यादा राइनोज के लिए फेमस है। ये बेस्ट अमंग द प्रोटेक्टेड एरिया का अवार्ड दिया गया था इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा 2009 में, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, और खासकर अपने ही स्टेट के जो नेशनल पार्क है उनके बारे में तो आप लोगों का फोकस होना चाहिए, उसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये हो गया गोरुमारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर योजना का आर्टिकल, पर योजना के आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, बात की जा रही है इंडियन फार्मर्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं बहुत सारे क्राइसिस, तो किस तरीके से उनके क्रिटिकल क्राइसिस को हम लोग दूर कर सकते हैं, तो किस तरीके हम लोग यहाँ पर किस तरीके हम लोग नेचर यहाँ पर क्राइसिस की होती है और किस तरीके से उनका सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जा सकता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अभी आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे हम लोग। बात की जा रही है रिविजन की, तो आप लोगों को जाकर देखना है आज प्लानिंग कमीशन के बारे में, वैसे तो मुझे भी मालूम है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से, पर लेकिन कई बार कंपेयर करके क्वेश्चन पूछा जाता है प्लानिंग कमीशन से भी, तो इसलिए आप लोगों को प्लानिंग कमीशन को हल्के में नहीं लेना है, इससे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्लानिंग कमीशन से, तो प्लानिंग कमीशन भी आप लोगों को तैयार करके चलाना है, प्लानिंग कमीशन के साथ में एनडीसी भी तैयार करना है, कल एनडीसी को देखेंगे, आज आप लोगों को प्लानिंग कमीशन का जाकर रिवीजन करना है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन हो गया यहाँ पर, ये हो गया वीडियो का लिंक, आप लोगों को लिंक यहाँ पर वीडियो के नीचे भी सारे मिल जाएंगे, जाकर पॉलिटिकल लेक्चर आप लोग प्लानिंग कमीशन को रिवीजन कर लिया कीजिए, जब भी लेक्चर का रिवीजन करें तो डन लिख दिया करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने मेरी बातें आप लोग मान रहे हैं और कितना रिवीजन कर रहे हैं, वरना बाद में बोलेंगे सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम रह गई, तो फिर यही बातें देखने को आती है, वो किस लिए होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि एक तो ऐसे होते हैं जो साइलेंट अपना काम करते रहते हैं, जब उनको जो जो काम बोला जाए करते रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चतुराई दिखाते हैं कि आज रहने देते हैं कल कर लेते हैं, और वो चतुराई फिर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है अगर आप लोग चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं, तो पोस्टपोन नहीं करना है, जो भी काम तब जब बोला जाए वो तभी निपटाना है, ठीक है। आइए अब आर्टिकल देख लेते हैं,
आर्टिकल में बात की गई किस तरीके से फार्मर के वेलफेयर को हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा पहले मिनिस्ट्री का नाम एक हुआ करता था, फिर उसका नाम भी चेंज कर दिया, रीनेम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास्ट में बैंकिंग वगैरह में, तो इसका नाम याद रखेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का नाम चेंज करके यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उसका नाम में फार्मर डाल दिया गया। क्या नाम आया यहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, तो किसानों के वेलफेयर की भी यहाँ पर बात की गई, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 2015 में नाम चेंज किया गया रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हमारी कंट्री में फार्मर को भी इंपोर्टेंस दी जाती है। पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है कि बस हम लोग यहाँ पर देखना है एग्रीकल्चर को, हम लोग बस यहाँ पर कि ऐसे देखें कि बस ये फूड प्रोड्यूस करते हैं, और भी कई सारी चीजें यहाँ पर होती है। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं फार्मर होते हैं तो चीजें तो प्रोड्यूस करते हैं पर लेकिन उनकी लाइफ के बारे में भी सोचना होता है, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं तो इसलिए हम लोगों को देखना होता है। और जो भी प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं ये कम से कम वही हमारी इकोनॉमी में जो भी प्राइमरी प्रोडक्ट यहाँ पर निकल के आते हैं मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा खासकर फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो फार्मर के द्वारा ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। और जितने भी ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, कोई भी मान लीजिए सूखा पड़ गया या बहुत ज्यादा बारिश हो गई या फिर बाढ़ आ गया या कुछ भी इस तरीके कोई भी कंडीशन बन गई, कहीं पे भूकंप वगैरह आ गया, तो जो भी चीजें होती हैं तो आप लोगों को देखने को मिला किसानों को हर एक लेवल में बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी की वजह से बहुत सारे आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा 40% लगभग जो किसान है उनको अपनी किसानी से इतना फायदा नहीं हो रहा है, इसीलिए वो साइड में कुछ और बिजनेस भी कर रहे हैं, या तो डेयरी का काम चला रखा है या मुर्गी पालन का काम चला रखा है, किसी ने कोई काम जोड़ रखा है, किसी ने मछली पालन का काम चला रखा है, या कोई भी और काम करते रहते हैं साइड में क्योंकि एग्रीकल्चर से आज की डेट में उतना फायदा नहीं हो रखा है। तो फार्मर की इनकम भी आज की डेट में बहुत ज्यादा डिपेंड रहती है और कई फैक्टर पर वो डिपेंड रहती है, वो फैक्टर्स भी हम लोग जानेंगे। पर लेकिन इसके साथ में आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 2022 तक यहाँ पर फार्मर की इनकम डबल करने के लिए कई सारे यहाँ पर अपनी तिकड़मबाजी लगा रखी है, जो कि हम लोगों ने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी देखे थे। आखिर इनकम कितनी चीजों पर डिपेंड करती है? सबसे पता तो पहले ये पता होना चाहिए कि जो उस एरिया की जमीन है वो कितनी उपजाऊ है, उपजाऊ भी है या नहीं है, या वैसे टाइम पास वहां पर हो रहा है, किसान मेहनत कर रहे हैं और उनको उतना ज्यादा वहां पर आउटपुट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात की जाती है क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आज भी बाबा आदम के जमाने के तरीके से चल रहे हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो यूज करके चल रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पर किसान इतना अमीर नहीं है कि वो अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर सके। अगर यूएसए या फिर यूरोपियन कंट्री में आप लोग देखेंगे वहां पर किसान को एक बिजनेसमैन की तरीके से देखा जाता है, पर ये अनफॉर्चुनेट है कंडीशन हमारी कंट्री में इस तरीके सिचुएशन प्रोवाइड नहीं कराई गई है। पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा वो भी अप टू द मार्क नहीं है, जो कि किसान का फायदा कर सके। मॉनसून के ऊपर बहुत सारा एरिया डिपेंड रहता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर में ये तो कई बार इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि वहां पर आप लोगों की वैसे खेती बर्बाद हो जाती है, या फिर बारिश ऐसी होती है कि वहां पर पानी के लिए भी तरस जाते हैं, तो इस तरीके से चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक्सिस भी यहाँ पर कई बार रेंज देखने को मिलती है। इसके अलावा जो एमएसपी के प्राइस है वो हालांकि एनकरेज करते हैं फार्मर को, किसानों को कई बार, कि अगर एमएसपी के प्राइस जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मतलब अगर गेहूं मार्केट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोल दिए कि हम लोगों को कितने लेने हैं, अगर यहाँ पर 40 रुपये केजी बेचना है तो कोई भी उससे नीचे यहाँ पर नहीं लेगा, ज्यादा ले सकता है। ठीक है, तो ये एमएसपी भी आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्लोबल कंपटीशन भी बहुत ज्यादा रहता है, मान लीजिए गेहूं किसी और कंट्री से खरीदना स्टार्ट कर दिया तो उसका भी इंपैक्ट हमारे किसानों पर देखने को मिलता है, तो वो भी सिचुएशन साइड बाय साइड हम लोगों को देखने को मिलती है। तो सॉल्यूशन क्या निकाला जाता है, कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है जो बाहर की कंट्री से यहाँ पर कोई भी सामान आता है और दिखता है वो अपनी कंट्री से ज्यादा कम पैसे में हमारी कंट्री में सामान बेच रहा है, तो हम उनके ऊपर डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, जिसको बोलते हैं एंटी डंपिंग, मतलब डंप कर रहा है अपना सामान हमारी कंट्री में आके, अपनी कंट्री में तो बेच नहीं रहा है, हमारी कंट्री में आके उसको डंप कर रहा है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी भी यहाँ पर आप लोगों को नजर आती है। तो इसलिए फार्मर को सिक्योर करने के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कई सारे स्टेप्स यहां पर लिए जाते हैं। सॉरी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर फार्मर के वेलफेयर के लिए भी कई सारे काम किए जाते हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बीज होते हैं वो थोड़ा सस्ते प्रोवाइड कराए जाते हैं और इंप्रूव क्वालिटी के प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं उन पर सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है। एनर्जी के भी कई सारे एरिया में यहाँ पर क्रेडिट वगैरह दिया जाता है, मान लीजिए डीजल पेट्रोल किसी को खींच कर अपने खेतों की सिंचाई करनी है। और इसके अलावा एमएसपी तो आप लोगों को देखने को मिलता ही है, और अगर कोई यहाँ पर फार्मर से नहीं खरीदता है तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर डिपार्टमेंट है एफडीआई, ठीक है ना, तो उसका भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर एफसीआई के बारे में, तो इसको बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एफसीआई की अगर बात की जाए तो ये डिपार्टमेंट का गठन इसीलिए किया गया था ताकि यहाँ पर परचेज किया जा सके अगर कोई भी किसानों का यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फूड होता है, ताकि उसका कोई वेस्टेज ना हो, ठीक है ना, तो वो देखने को मिलेगा। एफसीआई का गठन किया गया था 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, और एफसीआई के एग्जाम भी होते हैं उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। कई तरह क्रॉप का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है ताकि कोई क्लाइमेटिक की एक्टिविटी ऐसी होती है कि किसानों को नुकसान पहुंचता है तो उसको भी यहाँ पर ठीक किया जा सके। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है कई तरीके की, ताकि स्टोरेज भी प्रोवाइड कराया जा सके। और इसके अलावा कई सारी स्कीम चला रखी है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एनआरएलएम, ई नेम वगैरह देखने को मिलेगा,
एनएसएपी आप लोगों को देखने को मिलेगा, हाउसिंग लोन आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर रोड डेवलपमेंट की बात की जाती है, या फिर हेल्थ की बात की जाती है, तो सारी ये यहाँ पर किसानों की जो सिक्योरिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। स्टेट में भी कई तरह की आप लोगों को देखने को मिलती है सिक्योरिटी की स्कीम। आखिर ये किस लिए प्रोवाइड कराई जाती है स्टेट के द्वारा, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डीपीएसपी में बातें बोली गई है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सिक्योरिटी स्टेट के हाथ में दी जाती है, फूड की सिक्योरिटी भी और वैसी नॉर्मल सिक्योरिटी भी स्टेट को यहां पर करके चलनी है, ठीक है ना, तो खासकर सिटीजन की। इसके अलावा जो टैक्स पेइंग सिटीजन है या फिर प्राइवेट सेक्टर है उनको भी कहीं ना कहीं हाथ मिलाना चाहिए साथ में आकर, और अपने किसानों को यहां पर फायदा कराना चाहिए, किस तरीके से हम लोग किसानों को देख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो किसानों के लिए कई सारी स्कीम्स यहां पर चला रखी है वेलफेयर के लिए, और कहां कहां उनको प्रॉब्लम होती है उसका भी सोल्यूशन निकालने की बात की जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए। आइए आप आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा देखना है जाकर, क्वेश्चन का आंसर दीजिए कहाँ पर हो रही है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर ये जो कंट्री है कौन सी कहाँ पर सबमिट हो रही है इसके बारे में देखना थोड़ा जाकर। और नेक्स्ट आप लोगों से वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में पूछा गया है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है और करंट अफेयर क्वेश्चन है और सारे 2018 के ही क्वेश्चन है, तो आ सकते हैं, तो इनका थोड़ा आंसर आप लोग अच्छे से दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में, तो इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इंडिया में हो रही है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए 17 गोल है जो अब इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, तो इंडिया में हो रही है इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो याद रखिएगा। ये भी मैंने आप लोगों को, ये तो पूरा आर्टिकल ही मैंने आप लोगों से पढ़ाया था एम गवर्नमेंट अवार्ड के बारे में, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही थी उसमें दिया गया था, ये समिट बताइएगा कहां पर हो रही थी, अभी आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाया था मैंने पूरा डिटेल में। 2018 में जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है, हमारे जो इनॉग्रेशन भाषण दिया गया था वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा दिया गया था, वहां पर जो उमंग ऐप है उसको यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेस्ट प्राइज यहां पर जीता था, ठीक है। ओमकारेश्वर डैम जो मध्य प्रदेश में, वो किस नदी के ऊपर है, ये है नर्मदा रिवर के ऊपर, तो पता होना चाहिए, कई बार न्यूज में भी रहता है ये, तो इस तरीके से आप लोगों इनका क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, आप लोगों को कितने कितने यहां पर मार्क्स मिले 3 में से वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन जिस तरीके से पूछ रहे हैं वो पूछते रहिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं वो कम से कम पढ़ लिया कीजिए, इतने शानदार शानदार क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं यहां पर, मतलब मेरा भी दिल खुश हो जाता है क्वेश्चन देख के, तो लगे रहिए इसी तरीके से। एक एनवायरमेंट जो आप लोगों ने प्रोवाइड करा रखा है, ऐसा लगता है इस तरीके से हम लोग एक फैमिली की तरीके से यहां पर रह रहे हैं, बिल्कुल वही वाला माहौल आप लोगों ने प्रोवाइड करा रखा है। तो आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। मून के बारे में जाना, पानी पानी फर्स्ट टाइम किसके द्वारा खोजा गया चांद पे वो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा किस तरीके से फार्मर को सिक्योर करने की बात की जा रही है अगर कोई उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो। नेक्स्ट आप लोगों को जानने को मिला ये आप लोगों को रिविजन करना है प्लानिंग कमीशन का जाकर देखेगा और कब इसको रिप्लेस किया गया, थोड़ी चीजें वो भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम लोगों ने देखी, यहाँ पर मालदीव के बारे में जाना, फार्मर इशू के बारे में जाना, यहाँ पर आरबीआई की ये जाने आरबीआई के बारे में जाना, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। यहाँ पर जर्मनी को टॉप पोजीशन मिल गई है फीफा में, और ये हमने वर्ल्ड की स्पेस एजेंसीज के बारे में भी यहाँ पर जाना। नेक्स्ट आप लोगों यहाँ पर नर्मदा वो कावेरी इशू के बारे में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें चेंज कर दी गई है, 4 पार्टनर है यहाँ पर, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। पानी मैंने आप लोगों को बताया किस किस के पास में ज्यादा है और कहां कहां से होकर जा रही है, वो चीजें हम लोगों ने देखी और कब से इशू चला हुआ है वो सारा हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना ईरान के प्रेसिडेंट हमारी कंट्री पे है, क्या क्या वो बातें बोल रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने चंद्रयान 2 के बारे में भी जाना। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर चंद्रयान 2 में क्या क्या चीजें हैं वो हम लोगों ने देखी। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखने को मिला वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में और इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री जानी और नाडा के बारे में हम लोगों ने थोड़ा जाना। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिला हम लोगों ने जाना ये है था गोरुमा नेशनल पार्क के बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ी डिटेल हम लोगों ने इसके बारे में जानी, वेस्ट बंगाल में ये पड़ता है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन दीजिएगा सारे आंसर क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे उनके आंसर दिए। लेक्चर कैसा लगा, लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि सब तक चीजें पहुंच जाए। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो के लिए, राज्यसभा न्यूज के लिए और भी कई सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, सारे लिंक आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लास्टिक वगैरह ना तो यूज कीजिए और ना ही किसी को करने दीजिए, ठीक है। तो मिलजुल करिए और रिविजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।